हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज पास्ट टेंस। ओके, तो अंडर पास्ट टेंस देयर आर फोर सब टाइप्स ऑफ द पास्ट टेंस, जस्ट लाइक द प्रेजेंट टेंस। एंड इन अंडर द प्रेजेंट टेंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फोर सब टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड द नेक्स्ट इज द सेकेंड टाइप ऑफ द tenses is the past tense, and under the past tense there is also the four subtypes of past tense. First one is simple past, second one is past continuous tense, and the third one is past perfect tense, and last is the fourth one is the past perfect continuous tense. Okay, so today we will study only one type, that is the simple past tense. Okay, simple past tense. So guys, simple past tense, past, do you all of you know what is the meaning of past? Do you know or not? I think you all are aware that what is the meaning of past. Past means that happened in the past, in the previous time, jo ki hamara pehle ho chuka hai, that is the meaning of the past. Ab past tense wo wala time indicate karta hai jo ki hamara past mein जो चीज़ें, जो एक्शंस हमारे पास्ट में परफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। पास्ट, सिंपल पास्ट मीन्स दैट हैपन्ड इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो हमने पास्ट में परफॉर्म किया था उसकी बात हम कर रहे हैं, तो हम वो जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक्शन है दैट ऑलरेडी हैपन्ड इन द पास्ट, वो पहले ही पास्ट में हो चुका है। अब इसका कुछ रूल भी होगा, किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा इस टेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल को पढ़ते हैं, व्हाट इज द रूल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। द फर्स्ट, हमें रूल पता होना चाहिए तभी तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के लगाना है, देन प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड जो फॉर्म होती है उसमें ये वाली पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। द रूल ऑफ द पास्ट टेंस इज सिंपल पास्ट इज वेरी सिंपल। आपको सभी ही सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो आई वी, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो यू, चाहे वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो, दैट इज द ही शी इट और सिंगुलर नेम और दे, चाहे वो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, यू हैव टू अप्लाई ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, दैट इज द पास्ट टेंस जो शो करता है उसमें आपने सभी सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाना है, ठीक है। जैसे अब मैं कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन आपको करके बताती हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल। जैसे सब्जेक्ट में आप कोई बात बोलते हैं, कोई भी एक्शन, कोई आपसे बात कर रहा है तो आप बोलते हो हाँ मैं वहाँ गया था, आप बोलते हो ना मैं कल वहाँ गया था, तो आप ऐसे बोल सकते हो जब मैं उससे मिला था, आई मेट हिम यस्टरडे। ओके, वो कह रहा है आई मेट हिम यस्टरडे, मैं जो थी वो कल उससे मिली थी। अब देखो यस्टरडे आल्सो इंडिकेट द पास्ट टेंस। यस्टरडे मीन्स द डे जो बिफोर टुडे, जो डे आज के पहले जो डे आया था, दैट इज द यस्टरडे, मतलब कल, पिछला कल, जो प्रीवियस दिन जो चला गया उसकी बात कर रहे हैं। तो यस्टरडे, यस्टरडे ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में परफॉर्म हुआ है। अब मेट, ये आल्सो मेट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट इज आल्सो इंडिकेट द पास्ट एक्शन। अब ये वर्ब की फॉर्म होती है मीट, मेट एंड थर्ड फॉर्म भी मेट। अब ये वर्ब की फॉर्म है, मीट होता है मिलना, मेट होता था मिला, और मेट भी इसकी थर्ड फॉर्म भी मेट ही आती है। ओके, अब हम इसको रब कर रही हूँ, ये मीट की सेकेंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे मेट आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू रूल आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। आई इज योर सब्जेक्ट, मेट इज योर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड हिम इज योर
आपका ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है कि आप किससे मिले थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि आप उसी से मिले थे जिससे आप जिसकी आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे हिम को आप एज ए प्रनाउन भी है, ये हिम आपका, जब हम प्रनाउन पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि प्रनाउन क्या होते हैं और किस तरह से प्रनाउन को हम यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो है ये आपके बहुत सारे प्रनाउन्स हैं। ओके, अब यस्टरडे, यस्टरडे तो हम अपने यहाँ पे लगाया है पास्ट एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, तो ये आपका बन गया पास्ट। अब आप बोलते हो कि मैं कल स्कूल गया था, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते जहां वो स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि वो पिछले कल जो था वो स्कूल गया था। दैट इज आल्सो शो दैट दिस सेंटेंस आल्सो शोज द पास्ट एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस हम डालते हैं और किस तरह का जो एक्शंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं हमारे पास्ट टेंस में, और कि कौन से रूल से हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है पास्ट टेंस में, ठीक है। जैसे आपको इसमें बहुत सारे आपकी कंडीशन एज ए मतलब रिलेटेड रहता है, आपसे कोई पूछ रहा होगा ना कि आप कल स्कूल गए थे, तो आप बोलोगे यस आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं स्कूल गया था कल, ठीक है। मे बी आपसे कोई बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे पूरी कन्वर्सेशन नहीं मैंशन कर रही हूँ, आई एम राइटिंग ओनली द वन स्पीच, एक स्पीच मैंशन कर रही हूँ जहाँ पे कोई किसी एक की बात हो सकती है, ये वही मैंशन किया मैंने, ही वेंट टू स्कूल। हो सकता है आपसे कोई सवाल कर रहा हो तो आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको वहाँ पे अब इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना होगा, ये तो आपका पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसमें कोई नो नहीं आया, कोई नेवर नहीं आया, कोई डू नॉट, डिड नॉट कुछ भी नहीं आ रहा। वैसे तो इसमें डू नॉट नहीं आता बिकॉज दिस इज द पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में डिड नॉट आएगा यहाँ पे सिंपल पास्ट में, जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू और डज आता था, यहाँ पे सभी के साथ डिड आएगा। क्यों? क्योंकि सभी के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ओके, अब मैं बोलूंगी कि वो स्कूल नहीं गया था, जब मैं स्कूल नहीं गई थी, तो यहां क्या आएगा, आई डिड नॉट, जब मैं उससे नहीं मिला था, आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे नहीं मिली थी, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि मैम ने यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी और यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा दी, क्योंकि ये तो पास्ट ही मेंशन कर रहे हैं। देखिए बेटा कैसे होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है क्योंकि यहाँ पे डिड नहीं लगा है, ठीक है। हमने सीधी बात की, आई मेट हिम, मैं कल उससे मिला था, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, आई डिड नॉट। अब ये जो डू की सेकंड फॉर्म होती है दैट इज द डिड, डिड फॉर्म होती है डू की सेकंड, तो ये जो सेकंड फॉर्म थी वो इसमें आ गई, इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप जो वर्ब की फॉर्म होगी यहाँ पे इसको फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं और वो जो सेकंड फॉर्म होती है वो आपकी डू की जगह डिड हो जाता है और यहाँ पे डिड नॉट लगता है। समझ आ गया? तो आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल नहीं मिला था। बाय चांस आपको पेपर में आ गया कि ही वेंट टू स्कूल, कि वो स्कूल गया था, अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है कि आप मेंशन कीजिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आपको आपको वहां पेपर में ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कि आपको इसको नेगेटिव बनाना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डू नॉट या डिड नॉट और वेंट ही लगा देंगे। इसका कैसे बनेगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, जो भी है यस्टरडे, ठीक है, वो स्कूल नहीं गया था। अब गो किस लिए आया, क्योंकि वेंट का जो सेकेंड फॉर्म थी वो यहाँ डिड के साथ आ गई और इसलिए यहाँ पे गो लग गया। ओके, दिस इज द नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अब आपने पॉजिटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, अब इसी का आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, आप डिड को बाहर निकाल लीजिए, जैसे डिड Did he go to school? क्या वो स्कूल गया था? Did he go to school? क्या वो स्कूल गया था?
तो आपने डिड को हेल्पिंग वर्ब, ये तो आपने पिछले सेंटेंसेज में टेंसेज में भी सीखा होगा प्रेजेंट में कि किस तरह से नेगेटिव और किस तरह से इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाया जाता है। तो डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया था, ठीक है, तो दैट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं उसके बाद बात करूंगी डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गया था, तो ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो दिस आर द, अभी आपकी पहले पास्ट के अंदर फोर टाइप्स थी, अभी आपके सिंपल पास्ट के अंदर भी आपने फोर टाइप्स पढ़ ली। सबसे पहले आपने पॉजिटिव असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो पढ़ लिए, उसके बाद आपने नेगेटिव पढ़ लिया, उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड देन द इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर इंक्लूडेड अंडर द सिंपल पास्ट टेंस। तो एक बार रिव्यू ले लेते, पूरा रिवाइज कर लेते किस तरीके से ये होगा। सिंपल पास्ट टेंस होता है दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो भी एक्शन हमारे पास्ट में होते हैं दैट इज द सिंपल पास्ट टेंस, वो हम सिंपल पास्ट टेंस में इंक्लूड करते हैं। दिस इज द रूल ऑफ द सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट, एंड दीज आर द फोर सब टाइप्स ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द सिंपल पास्ट टेंस। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज द past continuous tense. Okay, thank you guys. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.